हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम लोग करेंगे आरबीएससी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 11, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये राजस्थान के जीके का हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। जितने भी चैप्टर दिए हुए थे, 11 चैप्टर, सभी के सभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी चैप्टर का एक भी सिंगल क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा आ जाए ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि केवल हम लोग ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आएगा आपके यहीं से। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो बनाता इन्हीं ऑथेंटिक बुक से है, किसी गाइड से नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनसे बाहर जो है वो नहीं आता है। कई बार मैं इस चीज को बोल चुकी हूँ अब तक, अभी सभी बच्चे समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चे हैं वो लोग ये पूछते हैं कि यहाँ से बाहर भी पढ़ना है क्या, हमें केवल इतना ही हो जाएगा क्या। तो देखिए, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए, यदि आप इन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो सभी सॉल्व कर लिए हैं और सभी आपको लर्न भी हो गए हैं, तो आप लोग जो है वो जरूर एग्जाम क्लियर कर लोगे और नौकरी भी पा लोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आरएएस तक आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को भी पढ़ना है और आप लोग भी पढ़ चुके हैं और पढ़ भी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल दे कि मैं तो नहीं पढ़ सकता। सभी पढ़ सकते हैं, सभी के अंदर दिमाग होता है और सभी जो है उसका यूज करना जानते भी हैं, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर भी कोशिश करिए कि इन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है आपके एग्जाम आने तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे ही बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने इनके नाम नहीं सुने हैं, बिल्कुल सुन चुके हो, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बिल्कुल आराम से एक एक पैराग्राफ में इनको पढ़ना है। आपको भी पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में लास्ट ईयर या उससे पहले भी यहीं से क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। सबसे फर्स्ट है निहाल चंद। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कौन है? निहाल चंद। यह किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह के दरबार में थे। इसने सावंत सिंह और उसकी प्रियसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र जो है वो भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। तो याद आया होगा आप लोगों को, चैप्टर नंबर 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आपका सेकंड पैराग्राफ ही है, यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछा गया था, ठीक है। तो विश्वास हुआ होगा आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। तो देखिए, तीन लाइन है और तीन लाइनों में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ चित्र शैली को जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले कौन है? निहाल चंद है। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबार में थे। इन्होंने सावन सिंह और उनकी प्रेसी बनी ठनी इनको राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया और बनी ठनी का चित्र जो है वो भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। तो आपको यहीं पर याद हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहां और भी अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पन्ना धाय। तो पन्ना धाय के बारे में कौन नहीं जानता है? आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दहाय माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत वनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया था। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं, पूछ लिया जाए कि पन्ना धाय के बेटे का ही क्या नाम था, तो क्या नाम था? चंदन नाम था, ठीक है। और उदय सिंह की क्या थी? ये दहाय माँ थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, गवरी बाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गवरी बाई को बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र में आता है, तो बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गवरी बाई को। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गवरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हम लोगों ने अभी तीन पैराग्राफ पढ़े और इतने इंपॉर्टेंट पढ़े, तो सोचिए पूरा चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा किशनगढ़ चित्र शैली को लेकर आने वाले, ऊंचाई तक पहुंचाने वाले जो है वो निहाल चंद है, सावन सिंह के दरबार में थे जो कि किशनगढ़ के शासक थे,
ठीक है। और पन्ना धाय जो है वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी। इन्होंने अपने बेटे का जो है वो त्याग किया था उदय सिंह को बचाने में। गौरीबाई जो है वो डूंगरपुर की बागड़ की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौर, ठीक है, जिस तरीके से पन्ना धाय उस तरीके से ही दुर्गादास राठौर। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दुर्गादास राठौर के समय जो महाराज थे कौन थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट उस वक्त कौन थे। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत राठौर सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। ठीक है, तो जोधपुर जो था वो मुगलों के अधीन हो गया था, मुगलों का वहां आधिपत्य हो गया था। तो अजीत सिंह की रक्षा जो है वो दुर्गादास राठौर ने की थी औरंगजेब से। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफियुद्दीन निशा इसको इस्लोमोचित शिक्षा को देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर कुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई थी। उनकी वीरता और साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है कि मायड़ ऐसा पूत जड़ जैसा दुर्गादास। ठीक है, तो अंतिम समय में ये उज्जैन चले गए थे। नेक्स्ट देखिए दुर्शा आड़ा, तो इनके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। अकबर के समकालीन दुर्शा आड़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध छत्तरी सर्वाधिक प्रसिद्ध किरतार बावनी बीरम देव सोलंकी रदुहा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी जो तीनों रचनाएं हैं विरुद्ध छत्तरी किरतार बावनी बीरम देव सोलंकी रदुहा, इनमें से सबसे प्रसिद्ध है विरुद्ध छत्तरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दयालदास। बीकानेर रे राठौड़ा रिख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ। दयालदास रिख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यरोहण तक का इतिहास लिखा हुआ है 1851 ईस्वी तक का। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तो देखिए दुर्सा आड़ा जो है इनकी तो केवल रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, और दयालदास जो है तो इनकी रचना जो है वो बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट देखिए कविराज श्यामलदास, इंपॉर्टेंट है ये। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामलदास का जन्म 1836 में धोकलिया में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। तो पूछा जा सकता है किसने प्रेरित किया था इन्हें मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखने में, तो शंभू सिंह ने किया जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से भी विभूषित किया था। तो ये रहे कविराज श्यामलदास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। गौरी शंकर हीराचंद
ओझा को। बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे के लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुर्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से गोली का शिकार जो है वह बीरबल सिंह बने, लेकिन उसने तिरंगे को नहीं गिरने दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बीरबल सिंह कहां के थे? गंगानगर जिले के थे, ठीक है। और प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया था, जिसमें 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता जो थे वो हाथों में तिरंगा झंडे लिए सम्मेलन स्तर पर पहुंचे थे। इसी बीच जो है वह रेलवे स्टेशन पर जो कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार करने लगे, जुल्म जो है वो उनके ऊपर किए जाने लगे। तो वहां पर बीरबल सिंह भी थे, उन्होंने नेतृत्व संभाला था, ठीक है। तो इसी दौरान जो है वो इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। नेक्स्ट देखिए, विजयदान देथा। ये देखिए विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को जोधपुर के बोरुंदा में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बातारी फुलवारी जो है वह किसकी कृति है? विजयदान देथा की। बापू के तीन हत्यारे, आलोचना 1948 की। चौधरायन की चतुराई, ये लघु कहानी संग्रह है 1996 का। दुविधा और अलेखू हिटलर आदि हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये चारों लाइनें। विजयदान देथा की कृतियां हैं वातारी फुलबारी, बापू के तीन हत्यारे, चौधरायन की चतुराई। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। कौन? विजयदान देथा। विजी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को, ठीक है, उपनाम पूछा जा सकता है विजयदान देथा का, बी से विजय और बी से विजी। देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 में और पद्मश्री एवं 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इनको काफी पुरस्कार जो है वो मिले। उनकी एक लोक कथा पर मणिकोल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। तो देखिए, विजयदान देथा की एक लोक कथा पर ही मणिकोल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई और जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने पहेली नामक मूवी बनाई, ठीक है। मूवी आपने देखी होगी, किसकी है? अमोल पालेकर की है। और किसकी लोक कथा पर आधारित है? विजयदान देथा की। कन्हैया लाल सेठिया, धरती धोरारी, याद आया आप लोगों को? लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत जो है वो पाथल और पीथल। इसके यशस्वी रचयिता जो है साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। ये है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट देखिए, अल्लाह जुलाई बाई। अभी आप लोग केवल क्या करिए, रीडिंग करते जाइए मेरे साथ, एक बार और इसका रीडिंग जो है वो आप लोग करिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर को करिएगा। आप लोगों को जो भी चीज नई मिल रही है वो चीज भी सॉल्व हो जाएंगी। ये है अल्लाह जुलाई बाई। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ठीक है। ये लाइन जो है वो, इससे आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू हैं। गीत प्रख्यात मांड गायिका, मांड किसको? जैसलमेर को कहते हैं। मांड गायिका अल्लाह जुलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गए। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में
बीबीसी लंदन द्वारा, बीबीसी लंदन द्वारा कोड सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी लाइनें। नेक्स्ट देखिए, गौरी देवी, तो मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला, इनके माता पिता दोनों ही बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायिका से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया था। ठीक है, कहां पर, ये विदेश में भी गई थी, वहां पर भी इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया था। तो देखिए कहां की थी ये गौरी देवी, जोधपुर की, और मास्को तक भी ये होकर आई। नेक्स्ट देखिए, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 20 मई 1918 में रामपुरा बैरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 रोज राजपुताना राइफल्स के सीएचएम पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे, पीरू सिंह। ठीक है, और ये 6 राजपुताना राइफल्स के सीएचएम थे। नेक्स्ट देखिए, मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के वाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए, तो वाणासुर गांव के थे, इसीलिए वाणासुर के शहीद जो है वो कहलाए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो इनको दी गई। तो शैतान सिंह जो है वो चार्ली कंपनी में थे, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ इन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए, वे स्वयं ही बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इससे पहले भी परमवीर चक्र जो है वो सम्मानित किया गया था, किसको, मेजर पीरू सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वामी केशवानंद, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था, सीकर जिले के मंगलूड़ा गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सी के घर हुआ। इनके बचपन का नाम था बीरमा। गांधी जी से ये प्रभावित हुए थे। इन्होंने 1921 ईस्वी से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मीणित स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गाँव में 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए, इसीलिए इनको शिक्षा संत कहते हैं। पंडित झावरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं पंडित झावरमल शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित झावरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झावरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया। तो अब पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, तो इन्होंने जिन जिन पुस्तकों का संपादन किया जो बहुत प्रमुख हैं,
उनको याद रखना है, सीकर का इतिहास, खेजड़ी का इतिहास, खेजड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन, ठीक है, ये प्रमुख है। नेक्स्ट आचार्य तुलसी, तो इनकी तस्वीर जो है वो आप लोग देख लीजिए। अणुव्रत आंदोलन के जो सूत्रधार हैं, जन्मदाता हैं, कहे जाते हैं आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म जो है वह नागौर जिले में 20 अक्टूबर 1914 को हुआ था। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने 13 पंथ संघ में नवे आचार्य बने। नैतिकता के उत्थान के लिए इन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा की और इनका संदेश जो था वो क्या था कि इंसान पहले इंसान है और फिर हिंदू या मुसलमान। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं कि आचार्य तुलसी जो हैं, इन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन जो है उसका सूत्रपात किया। जन्म इनका नागौर जिले के लांडनु कस्बे में हुआ और ये 13 पंथ संघ के नवे आचार्य बनाए गए। कोमल कोठारी, कोमल कोठारी का जन्म जो है वह 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। तो देखिए कोमल कोठारी जो है इनका जन्म जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ, याद रखिएगा। रूपायन नामक संस्थान की स्थापना जो है जोधपुर में इन्होंने की। कृपाल सिंह शेखावत, तो ये जो तस्वीर है किसकी है, कृपाल सिंह शेखावत की। तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हस्तकला का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन किए थे, तो वहां पर इनका नाम आया था। ये शिल्प गुरु के नाम से जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 में हुआ। इन्होंने ब्लू पॉटरी पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई और इसके लिए इन्हें 1974 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। अगले जो व्यक्तित्व हैं वो हैं जगजीत सिंह, तो इनको तो आप सभी जानते हैं। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक, ठीक है, जगजीत सिंह जो है गजल गायक हैं। जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 1911 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत, मरने के उपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। पंडित विश्व मोहन भट्ट, 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की और 1994 में इन्हें ग्रेमी पुरस्कार मिला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया, ठीक है, मोहन वीणा का आविष्कार किया और 1994 में इन्हें ग्रेमी पुरस्कार भी मिला। किसे, पंडित विश्व मोहन भट्ट को, ये रहे पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। कर्पूर चंद कुलिश, 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिश का जन्म हुआ। 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन, सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है, ठीक है। तो कर्पूर चंद कुलिस का जन्म जो है वो सोडा गांव टोंक जिले में हुआ था और इन्होंने 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। डॉक्टर पी के सेठी, ठीक है, ये रहे डॉक्टर पी के सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए, ठीक है, याद रखना, दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया, ठीक है, जिसे जयपुर फुट कहते हैं, नकली पैर।
इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैक्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी सी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो इन्होंने दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया, डॉक्टर पी के सेठी ने। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके अभ्यास प्रश्न जो है वो भी सॉल्व आप लोग ही करेंगे, इतना अच्छे से धीरे धीरे जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर को रीडिंग किया है। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो मैंने आप लोगों से भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा था, सीकर, चूरू, नागौर या जयपुर में। जयपुर फुट के जनक जो है वो कौन थे? बिल्कुल अभी ही हमने इस चीज को पढ़ा, डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर अशोक या डॉक्टर वी सी राय। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो इतनी अच्छी लाइन जो है वो किसने कही थी? आचार्य तुलसी ने। ठीक है, कबीरा श्यामल दास, कोमल कोठारी या कन्हैयालाल सेठिया, तो आप लोगों बताइएगा इसका आंसर। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बच्चों ने दे ही दिया था, गबरीबाई, पन्नाधाय, राणाबाई या कर्मावती। तो ठीक है, गबरीबाई दिया था। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? ये भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैंने अभ्यास प्रश्न जो है वो नहीं देखे थे जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। तो पीरू सिंह, शैतान सिंह, वीरेन सिंह और वेद प्रकाश, तो आप लोगों ने आंसर जो है वो सही दिया था। ठीक है, और देखिए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है उनको भी सॉल्व करिएगा, वन लाइनर है। दुर्गादास राठौर का जन्म कब और कहाँ हुआ? मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के थे संपादक थे? ब्लू पॉटरी पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? प्राचीन लिपि माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी जो है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट भी दिया था। कबीरा श्यामल दास की रचना का नाम बताएं और धरती दोहरारी गीत के रचयिता कौन थे? और सुमेलित कीजिए, मैं भी बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो है वो बनता है। पंडित झावरमल शर्मा जो है वो किस क्षेत्र से थे? पत्रकारिता, गायन, भक्ति, वीरता। शैतान सिंह किससे थे? जगजीत सिंह जो है वो किससे थे? और गब्बी बाई जो है वो किससे थी? ठीक है, तो ये सभी के आंसर जो है वो आप लोग खुद ही सॉल्व करिएगा। आप लोग झट से चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं तो आराम से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान आप लोगों के लिए अब रहेगा। तो हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति कंप्लीट किया। देखिए जो जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को 6 से 10 तक की बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी, तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ करवाया है। ठीक है, तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको आप लोग बार बार पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेरा जो काम था वो जो है वो यहाँ तक आप लोगों को कराना था, तो मैंने आप लोगों को करवाया। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने पीडीएफ जो है वो ली हुई है उनको मैंने बताया है कि क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।